हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। सुपरस्टार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की तिकड़ी फिल्म पठान के जरिए धमाल मचाने के लिए आ रही है। पठान का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के इस ट्रेलर में एक्शन अपने हाई लेवल पर बना हुआ है। साथ ही पठान के इस ट्रेलर में एक से बढ़कर एक डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे जो देशभक्ति की मिसाल भी कायम करते हैं। साथ ही इन डायलॉग्स को सुनकर पठान के लिए आपकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ने वाली है। पठान के ट्रेलर में सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी एंट्री के दौरान एक डायलॉग बोलते हुए दिख रहे हैं कि पार्टी पठान के घर रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही, साथ में पटाखे भी लाएगा। फिल्म पठान में आउटफिट एक्स प्राइवेट आतंकी संगठन के बॉस दिखाए गए जॉन अब्राहम फिल्म के ट्रेलर में अपने विलन के रोल में हर किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं। शुरुआत में जॉन ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एक ऐसा अटैक जिसके बारे में इंडिया ने कभी सोचा नहीं होगा। पठान के ट्रेलर के आगे जॉन ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जब शाहरुख उनसे पठान कहते हैं और वो द हंटर हंटेड बोलते हैं। शाहरुख खान की पठान के ट्रेलर की शुरुआत बॉलीवुड के दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के दमदार डायलॉग से होती है जिसमें डिंपल ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि पठान के वनवास का टाइम खत्म हो गया है। पठान के लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म में एक्शन अवतार में धूम मचाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पठान के ट्रेलर में दीपिका ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि पठान शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सोल्जर हूँ और हमें एक साथ मिलकर इस मिशन पर काम करना चाहिए। वेल, हमें तो बहुत इंतजार है कि जल्दी से पठान थिएटर्स में रिलीज हो और आप सभी जाए इस फिल्म को देखने के लिए। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं। ऋतिक के गुड लुक्स की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का टॉम क्रूज और ग्रीक गॉड भी कहा जाता है। ऋतिक रोशन को फिल्मों में आए 22 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और इन सालों में उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है, खास करके लड़कियों के दिलों में। ऋतिक रोशन ने साल 2000 की फिल्म कहो ना प्यार है से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ अमीषा पटेल लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी थी। फिल्म कहोना प्यार है ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। कहते हैं कि फिल्म हिट होने के बावजूद ऋतिक रोशन बहुत रोए थे और वे बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे। इस पर खुलासा करते हुए ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने कहा कि फिल्म हिट होने के बाद ऋतिक उत्साहित ना होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगे। वो फिल्म की सफलता और अपने स्टारडम को देख घबरा गए थे और सोचने लगे थे कि उन्होंने फिल्म में आकर सही किया या नहीं। ऋतिक अपने फैसले पर डाउट करने लगे थे। राकेश रोशन ने कुछ साल पहले कहा था कि कहो ना प्यार है कि 20 साल पूरे होने पर इस इंटरव्यू में ऋतिक के बारे में हम खुलासा करते हैं। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। स्टूडियो में जाते ही लड़के और लड़कियाँ मुझसे मिलने आ जाते हैं, सब मेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं। मुझे कुछ सीखने का मौका नहीं मिल पा रहा है, एक्टिंग का मौका नहीं मिल पा रहा है, मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तब राकेश रोशन ने ऋतिक को समझाया कि उन्हें इस बदलाव को आशीर्वाद की तरह लेना चाहिए। उन्होंने ऋतिक को इन सब बदलावों को अपनाते हुए आगे बढ़ने की सीख दी। आज अभिनेता बॉलीवुड के टॉप हीरोज की लिस्ट में शुमार है, साथ ही साथ लाखों लड़कियों के दिलों पर राज करते हैं। ऋषभ शेट्टी की कांतारा ने आखिरकार एकेडमी अवार्ड क्वालिफिकेशन लिस्ट में जगह बना ली है। फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया। सबसे सम्मानित अवार्ड शो ऑस्कर 2023 में कांतारा की देरी से हुई एंट्री और फैंस अब इस फिल्म को मिले इस अचीवमेंट पर प्राउड फील कर रहे हैं। कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने लिखा है, डायरेक्ट किया है, फिल्म में एक्टिंग भी की है। वहीं ऑस्कर में एंट्री मिलने के साथ फिल्म के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी सातवें आसमान पर हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी भी जाहिर की। शेट्टी ने अपने ट्वीट में लिखा है, हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कांतारा को 2 ऑस्कर क्वालिफिकेशन मिली है। उन सभी का दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। हम आपके सपोर्ट के साथ इस जर्नी को आगे शेयर करना चाह रहे हैं। #Oscar #कांतारा में से चमकते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसी के साथ ही ऐसा लग रहा है कि साल 2023 साउथ इंडियन फिल्मों और अभिनेताओं के लिए एक शानदार नोट के साथ शुरू हुआ है जो अपनी ऑन पॉइंट फिल्मों और प्रदर्शन के साथ दुनिया भर में दिल जीत रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्ते पहले SS राजमौली की RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया था। इसी के साथ SS राजमौली की RRR और ऋषभ शेट्टी की कांतारा की ऑस्कर रेस शुरू हो गई है। फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि फाइनल नॉमिनेशन में भी ये फिल्में जगह बना पाए। ऋषभ शेट्टी की कांतारा साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस ही नहीं ओवरसीज में भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ग्लोबली फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई का रिकॉर्ड कायम किया था। और ऐसे ही चटपटी मजेदार खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।